नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के निम्न पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक लेकर आते हैं, जो कि कोई भी टेक्निकल कंपटीशन में टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तथा जो CITS एंट्रेंस की एग्ज़ाम होने वाली है या CITS फाइनल ईयर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन का हम सेट लेकर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है कि शाफ्टों की समानांतरता की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है छिद्र की केंद्रिक की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है समतलता और समानांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करना, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए हमारा चार ऑप्शन दिया है, चारों में जो हमारा सही आंसर होगा ये सभी जो है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है वह इन सभी कामों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौ धातु है। हमें अलौ धातु बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ढलवा लोहा कास्ट आयरन, बी ए में है रॉट आयरन पिटवा लोहा, सी में स्टील और डी में एल्यूमिनियम। कौन अलौ धातु है? तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वह अलौ धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वह आपके दोस्तों को भी मिले। जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है। धातु के भौतिक गुण को बताना है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है रंग, दूसरा भार, तीसरा में है स्ट्रक्चर और लास्ट है ये सभी। तो जो ये सभी है, ये सभी जो है धातु के भौतिक गुण में ही आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थात ये सभी। धातु से हमने स्पेशल क्वेश्चन आंसर से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मेटल से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कि स्टील जो है कार्बन और किस धातु का मिला हुआ रूप होता है। स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बना है। पहला जो है कार्बन है और दूसरा हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है तांबा, बी में एल्यूमिनियम, सी में लोहा और डी में सोडियम। तो जो स्टील है वह कार्बन और लोहा से मिलकर बना होता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ढलवा लोहा आमतौर पर प्रकृति का होता है। ढलवा लोहा जो होता है आमतौर पर किस प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, बी में है मैलिएबल आघातवर्द और सी में है ब्रिटल यानी भंगुर और डी में है डक्टल यानी तन्य। तो जो है ढलवा लोहा आमतौर पर किस प्रकृति का होता है। तो ढलवा लोहा जो होता है ब्रिटल होता है यानी भंगुर होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का छः नंबर है क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है। धातु के गुण बताने हैं जो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया है। पहला है कठोरता, दूसरा है तन्यता और सी में है सामर्थ्य और डी में है ये सभी। धातु के कौन से गुण हैं जो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होते हैं। तो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होने वाले सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहला हार्डनेस है, दूसरा डक्टिलिटी है और तीसरा स्ट्रेंथ है। तो ये सभी प्रभावित होता है ऊष्मा उपचार से, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है। सोल्डरिंग फ्लक्स के कौन है जो इसका एक कार्य, सोल्डरिंग फ्लक्स क्या कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, यह
क्षरण को रोकता है, बी में दिया है। यह शोल्डर वाली सतह को सतह से ऑक्साइड को हटाता है, और सी में दिया है यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, और डी में है ये सभी। जो शोल्डर होता है, शोल्डर में जो फ्लक्स होता है वह क्या काम करता है, यही हमें बताना है, इसका आंसर देना है। तो ये जो है यह शोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शोल्डर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन से हमें बताना है कि इसमें से कौन है जो शोल्डर के प्रकार नहीं है, ठीक है, शोल्डर के प्रकार नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए में मृदु शोल्डर, बी में है कठोर शोल्डर, सी में है भंगुर शोल्डर, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोल्डर का प्रकार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटल शोल्डर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है यह शोल्डर के प्रकार नहीं है, बाकी ए और बी शोल्डर के प्रकार हैं। फिर जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन पे कौन सी संक्रियाएं की जाती है, तो सारी संक्रियाएं की जाती हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किस में बांधते हैं, यानी लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल को कहाँ पर बांधते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है टेलर स्टॉक, बी में है हेड स्टॉक, सी में है फीड शाफ्ट, और डी में है आधार यानी बेस पे। तो ड्रिलिंग मशीन पर, लेथ मशीन पर जब ड्रिलिंग करते हैं तो जो ड्रिल है वह टेल स्टॉक में फिट होता है, यानी टेल स्टॉक में बांधते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए टूल की पहचान करें। यह जो टूल दिखाया जा रहा है आपको, ये जो टूल दिख रहा है इसकी पहचान करनी, ये कौन सा टूल है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है टिप क्लीनर, बी में दिया है वेल्डिंग स्क्रीन, सी में दिया है इलेक्ट्रोड होल्डर, और डी में इनमें से कोई नहीं। यह जो है यह एक इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसके द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड रॉड को पकड़ करके और वेल्डिंग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती हैं। कौन सी गैस हैं जो अपने आप नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है नाइट्रोजन, सी में दिया है आर्गन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हमें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन होता है, स्वयं नहीं जलता है लेकिन दहन में सहायक होता है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, थर्टीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चित्र में दिखाए गए मशीन की पहचान करें। यह जो ड्राइंग दिख रहा है इसकी, ये कौन से मशीन है इसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, मिलिंग मशीन, बी में दिया है ड्रिलिंग मशीन, सी में दिया है सेपर मशीन, और डी में है सीएनसी लेथ मशीन। तो यह जो है यह एक सीएनसी लेथ मशीन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो ड्राइंग में दिख रहा था वह किस प्रकार की मशीन थी, तो वह है सीएनसी लेथ मशीन। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर क्या होते हैं। देखिए ये जो है खाली स्थान है, उसके बाद यह है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है, मतलब हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में है टॉलरेंस, बी में है लो लिमिट, सी में है हाई लिमिट, और डी में है ग्रेड। तो यह जो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो इस प्रकार के साइज को टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का एक प्रकार है, रिवेट के प्रकार के बारे में बताना है। पहला जो है स्नैप हेड रिवेट, दूसरा जो है हेड
पेन हेड रिवेट और सी जो है कॉनिकल हेड रिवेट और डी में है ये सभी। तो सारे ये रिवेट के एग्जांपल है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे रिवेट के एग्जांपल में आते हैं। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फ़ायदा है। निम्नलिखित में से कौन से गेज प्रयोग करने का एक फ़ायदा है। पहला है समय की बचत। गेज प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है समय की बचत होती है, बी में है उत्पादन में वृद्धि होती है, सी में है समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो गेज है, गेज के उपयोग करने से हमें समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों होती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, बेलनाकार कार्यखंड के खाली स्थान की जांच के लिए प्लेन रिंग गेज प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार कार्यखंड के किस प्रकार के जांच के लिए प्लेन रिंग गेज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है बाह्य व्यास, बी में है आंतरिक व्यास, सी में है भार और डी में है लंबाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हमें मिल जाएगा ए, अर्थात बाह्य व्यास जांचने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाशर का एक प्रकार है। वाशर के प्रकार के बारे में हमें बताना है कि कौन से वाशर का एक प्रकार है। पहला है स्प्रिंग वाशर, दूसरा बी में है टैब वाशर, सी में है फाइबर वाशर और डी में है ये सभी। ये सभी जो है वाशर के टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ वाशर में हम सभी पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चित्र में दर्शाए गए नट की पहचान करें। यह जो नट बना हुआ है ये जो नट है, इस नट की पहचान करनी हमें कि ये किस प्रकार का नट है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में है कैसल नट, बी में है विंग नट, सी में है वर्गाकार नट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है किस प्रकार के नट हैं ये हमें बताने हैं। तो यह जो है कैसल नट अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसल नट जो होता है वह इस प्रकार का होता है। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, दो बार में समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टेक, बी में दिया है प्रोब, सी में दिया है कैमरिंग और डी में है सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा प्रोब यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CAD में C का क्या अभिप्राय है। CAD जो CAD होता है, CAD में C का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह है कंप्यूटर, बी में है कॉपी, सी में है कोऑर्डिनेट और डी में है कॉम्बैट। तो यह जो है CAD में C का जो अभिप्राय है वह कंप्यूटर से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। ये जो ड्राइंग से क्वेश्चन है, 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष से काम नहीं करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एक्स, बी में दिया है वाई, सी में दिया है जेड और डी में है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जब भी हम 2D में काम करते हैं तो किस अक्ष में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेड अक्ष में काम हम नहीं करते हैं। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। अर्ध ठोस स्नेहक के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेफाइट,
बी में है ग्रीस, सी में है कैस्टर ऑयल और डी में है लॉर्ड ऑयल। तो अर्ध ठोस स्नेहक नहीं है, वह है ग्रीस, सॉरी अर्ध ठोस स्नेहक है, ओके जिनमें कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है वह है ग्रीस। ये जो ग्रीस होता है वह अर्ध ठोस स्नेहक होता है। फिर चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, कि शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, शीतलक प्रयोग करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या क्या दिया है, शीतलक यानी कूलेंट प्रयोग करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, कूलेंट क्यों प्रयोग किया जाता है, ये हमें आंसर करना है, ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर बी में है काम को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रचालक को ठंडा करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलेंट प्रयोग हम करते हैं वह जो है कटिंग उपकरण और कार्यखंड दोनों को ठंडा करता है या प्रशीतलन का काम करता है, यानी कूलेंट जो होता है वह कटिंग टूल्स और जॉब यानी कार्यखंड दोनों को ठंडा करता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग का उपयोग है यानी कहाँ पे बेयरिंग उपयोग करते हैं, ऑप्शन से हमें देख के बताना है। शाफ्ट को सहारा देने के लिए, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है कि बेयरिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है शाफ्ट को सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है रगड़ने की क्रिया को कम करना और डी में है ये सभी। तो जो बैरिंग का उपयोग है, बैरिंग इन सभी कार्यों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये रहे हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट निम्न पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।